हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे रेलवे इंजीनियरिंग और टॉपिक है रेल्स। तो रेल्स क्या होते हैं? स्टील के गडर्स यानी लंबी बीम होती हैं स्टील की। इनका काम क्या होता है? भार वहन करना। किसका भार वहन करेंगे? जो ट्रेन उसके ऊपर आएंगी, ठीक है। तो जो ट्रेन का एक्सल लोड है, जो भार है, उसको ये रेल ट्रांसफ़र करेंगे सब ग्रेड को। किसको? सब ग्रेड को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। किसके थ्रू? स्लीपर एंड बैलास्ट के थ्रू, ठीक है। ये रेल्स जो हैं, ये किस मटेरियल के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के। किस मटेरियल के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के, ठीक है। एक जो ट्रैक होता है उस पर एक जगह आती है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग सेपरेट टॉपिक है, अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे जो रेल्स यूज होती हैं, उनका मटेरियल होता है मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई मैगनीज स्टील। इसकी जो बनी हुई रेल है वो काम में लेते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग के ऊपर, ठीक है। अब ये रेल्स आपने देखी होंगी कि जो इस तरीके से आप अगर टॉप व्यू देखते हो तो इस तरीके से जो दिख रही हैं, ये रेल्स हैं। क्या है? रेल्स, जो स्टील की बीम होती हैं। और इस तरीके से जो आपको इनके नीचे जो दिखते हैं, ये स्लीपर्स होते हैं। तो ये स्लीपर्स से बंधी हुई रहती हैं, ठीक है ये। और यहाँ पे इनके नीचे बैलास्ट होते हैं, यानी पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े बैलास्ट होते हैं, पत्थर के टुकड़े। तो ये जो है, ये क्या है? आपकी रेल्स, ओके। अब अपन देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स। रिक्वायरमेंट ऑफ रेल्स, ठीक है, यानी रेल्स की क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रिक्वायरमेंट क्या होंगी? वर्टिकल स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है? रिजिडिटी। स्टिफनेस मीन्स रिजिडिटी, ओके। स्टिफनेस मीन्स रिजिडिटी। तो वर्टिकल स्टिफनेस मतलब कि वर्टिकल लोड है उसको वो ट्रांसफर, यानी इतनी होनी चाहिए रेल की जो वर्टिकल स्टिफनेस है वो इतनी होनी चाहिए कि वर्टिकल लोड को ट्रांसमिट कर सके। वर्टिकल लोड जो है उसको ट्रांसमिट कर सके, ओके। इसके लिए क्या है? हाइट ऑफ रेल जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। हाइट ऑफ रेल ये एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी सफिशियंट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, ओके। इसके बाद क्या है? रेल्स जो हैं वो लेटरल फोर्सेस को कैरी करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, यानी कैरिंग लेटरल फोर्सेस, कैपेबल टू कैरी लेटरल फोर्सेस, ओके। इसके बाद है मार्जिन फॉर वर्टिकल वियर। ये कितना होना चाहिए? जो हेड है रेल का वो सफिशियंटली डीपर होना चाहिए, यानी जो हेड है, हेड क्या है? ये आपने रेल देखी होंगी, रेल होती है आपकी तो ये जो है ये हेड है, ये फुट है, ठीक है। ये क्या है? रेल्स हैं, रेल्स, ठीक है, रेल्स है। तो रेल्स का ये हेड है और ये फुट है। तो ये जो इसका हेड है वो सफिशियंटली डीपर होना चाहिए, यानी हेड है वो डीपर। मैक्सिमम अलाउड वियर कितना है? मैक्सिमम अलाउड
वियर, ये है 10 mm, ठीक है, ये लिमिट है इसकी। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ये रेल की कितनी होनी चाहिए, 72 kg, 72 kg पर मीटर स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे मान लो कि ये रेल है तो इस पे इस तरीके से जो फोर्स लगेगा वो इसकी टेंसाइल फोर्स होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 72 kg पर मीटर स्क्वायर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट कैसे करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को, टेस्ट है ये दो तरीके से टेस्ट है, एक फॉलिंग वेट टेस्ट, फॉलिंग वेट टेस्ट, दूसरा है टप टेस्ट, टीयूपी टप टेस्ट, ओके। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ रेल्स, टाइप्स ऑफ रेल्स, टाइप्स ऑफ रेल्स। तो सबसे पहले टाइप्स आता है डबल हेडेड रेल्स, डबल हेडेड रेल्स, ओके। डबल हेडेड रेल ये बिगनिंग में यूज करते थे, बिगनिंग में यानी शुरुआत में, ये शुरुआत में काम में लेते थे। कैसा होता है ये डबल हेडेड, यानी इसके दोनों जो हेड हैं ये आपका ये दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। ये जो स्लोप है ये 1:3 का होता है, ये 1:3 का होता है, तो दोनों हेड एक जैसे होंगे। तो इनको क्या करेंगे कि जब ऊपर वाला हेड थोड़ा वियर एंड टीयर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसको पलट के इसको काम में ले लेंगे, पलट देंगे इसको, ओके। और ये जैसे मान लो न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या है न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या है हेड है, तो सेम होगा नीचे भी, फुट भी इसका सेम होगा, तो इसको क्या कहेंगे डबल हेडेड, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन ये पलट के काम में आने वाला जो आइडिया है ये बाद में काम में नहीं आया, फेल हो गया, क्योंकि जब इसके ऊपर लोड इतने आते हैं, लोड की वजह से इसका जो इन्वर्ट पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, इसमें डिफॉर्मेशन इतने हो गए कि इसको इन्वर्ट करने के बाद चलाना इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो ये इसका आइडिया बाद में फेल हो गया। और इसमें ये आपका कंप्रेशन जोन होता है, कंप्रेशन जोन, और ये आपका टेंशन जोन, ठीक है। आपने एसएम में पढ़ी होगी, सोम में, और सोम में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ अभी आपको कि मान लो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे ये एक लोड लगा हुआ है, ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ओके। इस पे लोड लगेगा तो डिफ्लेक्शन जो आएगा, डिफॉर्मेशन, वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब मैं इसका एक सेक्शन लेता हूँ ए ए, इस सेक्शन को मैं देखता हूँ तो ये सेक्शन मुझे दिखेगा इस तरीके से, ये इसके बीच की एक्सिस होगी, और ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये इसका कंप्रेस होगा और ये टेंशन होगा, टेंशन में होगा, ये कंप्रेशन में और ये टेंशन में होगा, ये कंप्रेशन में और ये टेंशन में, ये न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो ये जो सेम आपका यहाँ पे होगा ये कंप्रेशन जोन होगा और ये टेंशन जोन होगा, ओके। अब सेकंड नंबर जो टाइप्स है या दूसरा जो टाइप्स है वो है बुल हेडेड, बुल हेडेड रेल्स, यानी बी एच रेल्स,
ओके, वुल हेडेड रेल्स में क्या है कि जो इसका ये हेड पार्ट है, इसका जो ऊपर वाला हेड पार्ट है, ये जो हेड पार्ट है ये फुट पार्ट से थिकर यानी चौड़ा मोटा और मजबूत बनाया गया है। जो ये फुट पार्ट है इससे ये थिकर बनाया गया है और मजबूत बनाया गया है, ठीक है। ये जैसे मान लो यहाँ तक है तो इसको चौड़ा बनाया गया, यहाँ तक मान लो इसको ऐसे, ठीक है, चौड़ा और मजबूत बनाया गया है। जो फुट पार्ट हेड पार्ट है इसको चौड़ा और मजबूत बनाया गया है, ठीक है। और ये जो स्लोप है, ये जो रेशियो है, ये सेम ही 1:3 इसमें रहता है, ठीक है। तीसरा पार्ट है आपका, यानी तीसरा जो टाइप है रेल्स का वो है फ्लैट फुटेड रेल्स, फ्लैट फुटेड फुटेड रेल्स। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है इसका फुट कैसा होगा, फ्लैट, ठीक है। तो ये आपका जैसे मान लो आपका रेल का हेड है, ठीक है, और फिर इसका जो फुट है वो क्या किया, ये फुट है इसका और ये हेड है। तो ये फ्लैट फुटेड, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये आपका वही कंप्रेशन जोन और ये टेंशन जोन, ठीक है, टेंशन जोन, ठीक है। इसमें क्या किया है कि बेयरिंग प्लेट को यूज में लिया है, बेयरिंग प्लेट का यूज किया है कहां पे, स्लीपर्स और रेल्स के बीच में बेयरिंग प्लेट का यूज किया है काम में, लिया है कहां लिया है, स्लीपर्स एंड रेल्स के बीच में, के बीच में, ठीक है, स्लीपर्स एंड रेल के बीच में, ठीक है। और रेल्स की जो डिजाइन की गई है, रेल्स की डिजाइन की गई है वो किस हिसाब से की गई है, रेल्स की डिजाइन जो है वो की गई है वेट ऑफ रेल पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। तो ये फॉर एग्जांपल अगर वेट ऑफ रेल पर यूनिट लेंथ 52 to 60 केजी पर मीटर आता है, केजी पर मीटर, तो स्पीड जो है, स्पीड परमिटेड वो आएगी आपकी 130 to 160 किलोमीटर पर आवर, ओके, 160 किलोमीटर पर आवर। अब अपन बात करेंगे रेल की लेंथ की, यानी लेंथ ऑफ रेल्स। तो ये जो रेल्स हैं इनकी लेंथ कितनी रखनी चाहिए, कितनी होती है, ठीक है। तो अपन लेंथ वाइज रेल जो है वो लंबी लेनी चाहिए, कितनी, यानी लंबी ही लेंथ को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम लंबी रेल को ही काम में लेते हैं। ठीक है, यूजुअली हम लंबी रेल को ही काम में लेते हैं, क्यों, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं ना, जॉइंट्स
वो सबसे कमजोर पॉइंट होते हैं हमारे ट्रैक के ऊपर। जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स ये वीकेस्ट पॉइंट यानी कमजोर बिंदु होते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर। ओके, सबसे कमजोर बिंदु होते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, ठीक है, इसलिए इनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। और फास्टनर्स एंड बोल्ट्स जो हैं, इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। फास्टनर्स एंड बोल्ट, इनकी कॉस्ट है वो हाई रहती है, ठीक है। फास्टनर्स एंड बोल्ट्स जो हैं, इनकी कॉस्ट हाई रहती है, तो इकोनॉमिकली भी ये अपने को महंगे पड़ेंगे, इसलिए जॉइंट्स कम करने के लिए हम लंबी रेल बनाएंगे, इसलिए जॉइंट्स कम करने के लिए हम लंबी रेल बनाएंगे, ठीक है। बट इसकी भी लेकिन इसकी भी लिमिटेशन लिमिटेशन है इसकी भी लिमिटेशन है स्ट्रेंथ भी दूसरा क्या है, लंबी रेल बनाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी और इकोनॉमी भी, ठीक है। बट लिमिटेशंस क्या हैं, यानी क्या रेस्ट्रिक्शन हैं। लेंथ इज रेस्ट्रिक्टेड, क्या है रीजन। पहला है कि लंबी जो रेल है उसको अपन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, लंबी रेल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट फेलियर, ये कैसे फेल होगा कि लंबी जो रेल होगी तो जब तापमान बढ़ेगा तो स्टील की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपेंड करे, स्टील की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपेंड करे, और ये एक्सपेंड करता है तो जब लंबी रेल होगी तो गैप ज़्यादा चाहिए, एक्सपेंशन गैप ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा गैप चाहिए तो या तो गैप प्रोवाइड नहीं होता और प्रोवाइड होता है तो कम रहता है, तो ये फेल हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अगर ये अपन उसको ज़्यादा टाइट कर दें फास्टनर्स या बोल्ट से, फिस प्लेट से जब दो लेंथ जोड़ते हैं तो ज़्यादा टाइटली जोड़ दें तो एक्सपेंशन जॉइंट फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन जॉइंट फेलियर के कारण भी अपन लंबी लेंथ को अवॉइड करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि लेंथ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लेंथ कितनी होनी चाहिए ये गेज के अनुसार हमने, या जो कोड्स हैं, जो एजेंसीज हैं, जो इन्होंने लंबाई जो है वो फिक्स की है, यानी डिसाइड की है किसके अनुसार, गेज के अनुसार, ठीक है। तो ये कितनी होती है, लंबाई गेज के अनुसार अपन फिक्स की है, वो है ब्रॉड गेज के लिए 13 मीटर और मीडियम गेज के लिए 12 मीटर, ठीक है। गेज क्या होता है, गेज का मतलब जो ये रेल्स हैं, ठीक है,
रेल्स की जो इनर फेस हैं उनके बीच की क्लियर डिस्टेंस, जो दो रेल्स हैं उनके बीच की क्लियर डिस्टेंस, ठीक है, जो दो रेल हैं उनके बीच की क्लियर डिस्टेंस। गेज का मतलब है रेल्स के इनर फेस के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ टू रेल्स। ओके, अब है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे, परमानेंट वे। तो ये जो आपका ट्रैक है, यानी जो आपकी ये रेल्स हैं, ये स्लीपर्स हैं, ये स्लीपर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में बैलास्ट आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसका सेक्शन देखूं, तो मुझे सेक्शन इस तरीके से दिखाई देगा। इसका सेक्शन देखूं तो सेक्शन मुझे दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है, ये रेल्स हैं, ये क्या है, बैलास्ट है, ठीक है, यहाँ पे स्लीपर्स रहते हैं। ये क्या है, सबग्रेड है, ये है आपका सबग्रेड, ठीक है। ये जो इंटरफेस है ये है आपका गेज, ओके, ये क्या है, गेज। और ये जो आपका यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये कहलाती है बैलास्ट शोल्डर, बैलास्ट शोल्डर। ये है आपका बैलास्ट बेस, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये है बैलास्ट बेस। ओके, ये है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, यह है आपकी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या है, बैलास्ट क्वेश्चन, बैलास्ट, ठीक है, ये है आपका बैलास्ट क्वेश्चन, ये सब ग्रेड है। ओके, तो ये जो जो आपका सेक्शन दिखाया है, सेक्शन यही आपका परमानेंट वे, ये परमानेंट वे का सेक्शन, ये क्या है आपका परमानेंट वे, ठीक है। परमानेंट वे क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो ट्रैक है इसके पैरेलल टेम्पररी कुछ लाइंस बिछाते हैं, टेम्पररी रेल्स बिछाते हैं, तो इसको डिस्टिंग्विश मतलब उससे अलग बताने के लिए ही इसको परमानेंट वे नाम दिया गया है, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स इन रेल्स। ओके, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।